गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो बार्बी को ही मैं गौतम हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आगे आगे बताएंगे। लेकिन जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं काफ़ी एंजॉय होने वाले हैं और काफ़ी रिलैक्सेबल प्लेस है वो। और ऊपर से हम लोग वन डे स्टे करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हूँ। और एक्चुअली मैं वीडियो में बात इसलिए नहीं कर रही हूँ, बहुत ही लाउडली गाना बजाया हुआ है और ऊपर से गौतम का फ्रेंड भी है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने नहीं वीडियो में बात की। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ खेत है। एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं मानस नेशनल पार्क, जो एक बहुत ही प्यारा सा पार्क है। और गुवाहाटी से मानस लगभग हम लोगों को 4-4.5 घंटा तो लग ही गए थे। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, रिजॉर्ट बुक की है। रिजॉर्ट का बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अभी शाम का 7 बज चुके हैं। तो बाहर में आई तो बहुत ही मैं डर गई, क्योंकि देखिए बाहर कितना अंधेरा है, थोड़ा सा भी रोशनी कहीं से भी नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट एरिया है और हम लोग एक्चुअली होम स्टे कर रहे हैं और यहाँ पे कोई लोग बाहर नहीं आते हैं। तो फटाफट से मैं भी अंदर चली गई, पता नहीं कहाँ से अगर टाइगर निकल कर के आए तो बैन बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइगर ज़्यादा है यहाँ पे मानस पे, तो इसलिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा हैंग आउट के लिए, वन डे स्टे करने के लिए मानस पार्क पे आए हैं। ये एक नेशनल पार्क है जो हम लोगों के असम में ही है, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं आज। हम लोगों ने शायद 9 बजे घर से निकल गए थे और 2 बजे यहाँ पहुँचे हूँ और गौतम ने ड्राइव की है। 9 बजे पहुँचने के बाद हम लोगों ने रिजॉर्ट बुक की है और उसके बाद कुही को खाना खिलाए, फिर हम लोगों ने खाना पीना की और ऐसे करते ही 4 बज गए थे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। अभी तो बाहर देखने के लिए वैसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस टाइम पे कोई लोग बाहर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट एरिया है, कहाँ से एनिमल्स निकल कर आएंगे इसका कोई पता नहीं, तो इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। तो हम लोग भी हैं अभी, तो कल सुबह जाएंगे, जीप सफारी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पता नहीं, जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी और मेरे साथ देखिए कौन आए हैं, बार्बी। तो मेरे साथ आए हैं बार्बी, गौतम, मैं और कुही, और गौतम का एक फ्रेंड आए हैं। तो हम 4, कुही को लेकर 5, तो हम 5ों आए हैं और सुबह देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्टली मॉर्निंग पे, ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, तो अगर बहुत ही नींद अगर आएंगे तो फटाफट से खाना खाकर सो जाऊँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में, बाय। तो आज है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग, अभी 7:30 हुआ है और अभी हम लोग जीप सफारी के लिए निकल गए हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं की है, आने के बाद ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोगों का जीप भी आ चुके हैं। एक्चुअली कल रात इतना टायर्ड हो गई थी तो मैंने डिनर का कोई भी वीडियो नहीं की है। तो अभी हम लोग जीप में उठकर सफारी करेंगे मानस नेशनल पार्क का। जो कुही का थोड़ा सा तबीयत एक्चुअली अच्छा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा उदास है,
तो चलिए अभी आप लोग भी हम लोगों के साथ मनास को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। तो ये एक बहुत ही घने जंगल है, यहाँ पे नेटवर्क का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। जंगल के अंदर तो ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं मिलेंगे। और एक हम लोगों ने हाथी ही देखा है और बफेलो देखा है और कई सारा बहुत ही सारा हम लोगों ने पीकॉक देखा है, मयूर, लेकिन कोई दूसरा जानवर हमें दिखाई नहीं पड़ा। क्योंकि इसलिए यहाँ पे जंगल जो है वो काफ़ी घने हो गए हैं और ऊपर से बारिश भी हुआ था, तो इसलिए जानवर जो है वो सब अभी अंदर छुप के बैठे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ड्राइवर। तो देखिए अगेन हम लोगों ने एलिफेंट यहाँ पे देखा है। एक्चुअली यहाँ पे आने का टाइम है फेब्रुअरी के लास्ट में या फिर मार्च के फास्ट में। इस टाइम पे अगर आओ तो काफ़ी सारा जानवर हमें दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना सारा नहीं दिखा। तो हम लोगों ने प्लानिंग की है, हम लोग फिर से आएंगे, लेकिन जनवरी के लास्ट पे या फिर फेब्रुअरी के लास्ट में ही हम लोग आएंगे। अभी तो हम लोगों को इतना सारा जानवर नहीं दिखा, लेकिन एंजॉय काफ़ी की है हम लोगों ने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक एडवेंचर है हम लोगों के लिए। ये इतने जंगल के बीच हम लोग हैं, मतलब बहुत ही प्यारा सा व्यू यहाँ पे देख रहे हैं और कोई भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोगों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जीप सफारी, तो काफ़ी अच्छा लगा है।
इंडिया और भूटान के बीच में जो बॉर्डर है नदी का, वो नदी हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये जो नदी है ये भूटान का है और इंडिया के बीच में है बॉर्डर, तो इसको हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सभी लोग ये नदी देखने के लिए आते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है ये। जाने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट की और रास्ते में हम लोगों ने लंच कर ली थी, तो अभी शाम हो गए हैं, 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग हैं सरायघाट ब्रिज के ऊपर। तो थोड़ी ही देर बाद हम लोग घर पहुंच जाएंगे और रिलैक्स होकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।